दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अच्छा, हमको सिखा रिया है? तो ये मेरे पास में मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है। आज हम दोनों जाने वाले हैं मार्केट, तो मैं आज आपको अपनी मार्केट की सैर कराऊंगा। वहां पर क्या क्या मिलता है, कैसी मार्केट है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नहा धोकर मैं हो चुका हूँ रेडी। अब मैं फटाफट खा लेता हूँ खाना और फिर चलते हैं हम लोग। गाड़ी स्टार्ट कर। चाबी कहाँ है? मैं आ गया हूँ पेपराई में और मैं यहाँ पर आपको आज अपनी मार्केट दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको रेलवे स्टेशन, शक्ति चौराहे, दशहरा मैदान, पुलिस थाना स्टेशन सब कुछ दिखाऊंगा। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस क्षेत्र को कहते हैं तकिया। जहाँ पर ये अशोकनगर से सीधा सहराई के लिए रोड जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आते ही मुझे मेरे जीजू मिल गए हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं रामलीला मैदान में, जहां पर हमको पुरानी टंकी के पास हार्डवेयर की दुकानों के साथ साथ बहुत सारी किराने की दुकान भी देखने को मिलती हैं। और यहां पर हमारे सामने दो मंदिर हैं, जो कि राधा कृष्ण मंदिर और राम जानकी मंदिर है। थोड़े दूर ही जाकर यहां पर एक रोड है, जो कि सीधे रेलवे स्टेशन पर फाटक पर पहुँचता है। तो अब हम सीधे चलते हैं रेलवे स्टेशन फाटक पर, वहाँ का व्यूज दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं आ गया हूँ पिपराई गांव के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत सारी ट्रेन होके गुजरती हैं। ये कोई बड़ी स्टेशन तो नहीं है, तहसील की एक स्टेशन है, जहाँ पर नॉर्मल ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेनें रुकती हुई हैं, बट ज़्यादा बड़ी एक्सप्रेस नहीं रुकती है। बट ट्रेन का जो पहले प्लेटफॉर्म था बहुत छोटा था, पुराना था, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा दिखाऊंगा। अभी नया प्लेटफॉर्म बना है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है पहले की अपेक्षा। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शौचालय भी मिल जाता है, बट पब्लिक प्लेस वाला शौचालय उपयोग करने युक्त तो नहीं रहता है। यहाँ पर हमको देखने मिल जाता है सामने पिपराई रेलवे स्टेशन का व्यू, जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। मुझे पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं हम इसके अंदर और दिखाता हूँ टिकट। दोस्तों, ये रही टिकट खिड़की और ये रहा ट्रेन चार्ट, जहाँ पर ट्रेन का टाइम टेबल लिखा हुआ है। और ये पिपराई की न्यू स्टेशन है और मैं आप इसके बाद बताऊँगा आपको पिपराई की पुरानी स्टेशन, जो कि इसके पास में ही है। ये पिपराई का ओल्ड रेलवे स्टेशन, जो कि पुराना, यहाँ पर गार्ड वगैरह सब बैठते थे। यहाँ पर रखा हुआ है पुराना कांटा, जहाँ पर भारी भरकम वजन तोला जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200-300 किलो तक बहुत ही आसानी से तोला जा सकता था। बट अभी ये मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं दोनों की दोनों, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसे। ये पिपराई का पुराना टिकट खिड़की है, जहाँ पर पुराना टिकट कटते थे, बट अब यहाँ पर बंद हो चुका है सब काम। तो यहाँ पर खिड़की विड़की बंद हो चुकी है, यहाँ पर टिकट भी नहीं कटते अब। इस वजह से ये रहा पुराना रेलवे स्टेशन, जहाँ पर अभी यात्रियों को बैठने के लिए कुछ सीटें लगा दी गई हैं। पर इसके ही पास में एक न्यू रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, जो कि अब बहुत पहले की अपेक्षा बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे यात्री बैठे रहते हैं। पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ देखने में। यहाँ की जो सुंदरता है बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन की वजह से बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये पुल बनाया जा रहा है यात्रियों को निकलने के लिए, ताकि कोई एक नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुँच जा सके। क्योंकि अभी इसका काम लगा हुआ है, तो कुछ दिन में इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा। आपने जो देखा पिपराई की रेलवे स्टेशन को, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है पहले की अपेक्षा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा। यहाँ पर नंबर एक ये प्लेटफॉर्म जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और नंबर 2 सामने आपको दिख रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं दोनों स्टेशन। आप अगर आना चाहो और यहाँ से यात्रा करते हो, तो आपने देखा ही होगा बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पर पहले की अपेक्षा। चौक पिपराई रेलवे स्टेशन के पीछे आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जो पुराना रेलवे स्टेशन है, और इसके ही पास में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये न्यू रेलवे स्टेशन है।
यहाँ पर न्यू रेलवे स्टेशन कार की जो सामने दिख रहा है वहाँ पे न्यू रेलवे स्टेशन है। चलो यहाँ के पीछे का दृश्य दिखाता हूँ आप देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये वाला रास्ता, तो यहाँ पर बहुत सारी होटल हैं, बस स्टैंड है, मार्केट है, सभी कुछ इसके पीछे ही है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक शासकीय स्कूल है। क्षेत्र में आपको बैंकिंग से सर्विस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, जहाँ पर मध्यांचल बैंक और यूनियन बैंक जो कि बरखेरा रोड पर हैं बहुत ही अच्छी सर्विस देती हैं। और यहाँ पर ये बरखेरा रोड का जो भी व्यू है वो मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी पास में 100 मीटर पे यूनियन बैंक का कियोस्क है। और यहाँ से आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक चौराहा है जो कि मार्केट को कनेक्ट करता है। यहाँ अब चलते हैं मार्केट की तरफ, जहाँ पर दिखाऊँगा मैं आपको बहुत सारी दुकान है। पर अगर आपको यहाँ से बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, आपको यहाँ तक बहुत दूर दूर तक दुकानें मिलेंगी। यहाँ पर कपड़े की दुकान से लेके परचूनर की दुकान, किराना दुकान, सभी प्रकार की दुकान, होटल, सभी प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी। और आगे ही थोड़ी दूर आपको थाना मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन। परी क्षेत्र कहने को तो एक कस्बा टाइप का, बट यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा लगाया जाता है। सब्जी मंडी बाज़ार है जो यहाँ का बहुत ज़्यादा विख्यात है। यहाँ पर बहुत भारी मात्राओं में सब्जी बेचने वाले आते हैं और यहाँ पर सब्जी बेची जाती है बहुत भारी ज़्यादा मात्रा में। मैंने देखा है बहुत सारे मार्केट से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ लोग सब्जी खरीदने आते हैं और बहुत सारे गाँव के लोग यहाँ पर बहुत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये थाने की है। मार्केट के बीचों बीच आपको पिपराई पुलिस थाना मिल जाएगा। यहाँ पर थाने की बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं लोगों को, जिससे कि क्षेत्र में बहुत ही सहायकजनक होती हैं, बहुत ही सुविधाजनक हो जाती हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ ये थाना है पिपराई क्षेत्र का पुलिस स्टेशन। आप इस साइड जाते हो तो इस साइड आपको पुराना बाज़ार मिल जाएगा, पूरा का पूरा। यहाँ पर पुरानी सुनार की दुकान, बर्तन की दुकान, सभी प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी। बट यहाँ आपको उसके लिए यहाँ पर पुराने बाज़ार में जाना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि पहले का यहाँ का प्रसिद्ध बाज़ार है पुराना बाज़ार। थाने के सामने वाली गली में आपको बहुत सारे टेलर की दुकान मिल जाएंगी। थाने की सामने वाली गली में ही आपको बहुत सारे फूड वाली दुकान, सब्जी वाली दुकान, मेडिकल स्टोर, सब कुछ यहाँ पर, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप पहुँचा हूँ सत्ती चौराहे पर, पिपराई का सत्ती चौराहे, जो कि एक तीन रास्तों में बटा हुआ है। एक मेरे पीछे आपको जो रास्ता दिख रहा है ना, वो जाता है अशोक नगर को, जो एक डिस्ट्रिक्ट से सब डिस्ट्रिक्ट को रेलवे स्टेशन के बाद जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहाँ पर आपको दो पेट्रोल पंप की सुविधाएँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है ये वाला रास्ता, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से आप चंदेरी सहराई की तरफ चले जाओगे, जहाँ पर भी आपको एक पेट्रोल पंप की सुविधा देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है यहाँ से देखिए आप ये वाला रास्ता, ये वाले रास्ते से जाओगे तो आप सीधे स्टेशन, रेलवे स्टेशन मार्केट पहुंच जाओगे, जहां पे आपको मार्केट की हर एक सुविधा देखने को मिल जाएंगी। बस आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।